सब तो पहला गल फाजिलकर की करांगे कि पिंड मुठियां वाली च एक हैंड ग्रनेड मिले। फाजिलका सरहदी जिला और पिंड मुठियां वाली दे विच इस मौके हैंड ग्रनेड मिलना चिंता का विषय जरूर बनता है जदों चोणां सिर ते ने। पुलिस वालों मौके पर पहुँच के जांच की जा रही है और पुलिस वालों सुरक्षित थावां ते जिहड़ा उस हैंड ग्रनेड नूं रख्या गया। चोणां नूं वेखदिआं पुलिस वालों भाल कार्ज भी आरंभिया होया है और इस दे दरमियान नेड़े तेड़े दे होरना इलाकियां दे विच अजिहियां कोझियां साजिशां नूं नाकाम करन दे लई लगातार मुस्तैदी जिहड़ी फोर्सिस ने उहनां दे वल्लों विखाई जा रही है। खबर ते जानकारी दी सांझ वधाउण लई सुनील नागपाल ने, सुनील की है पूरा मामला? देखो नवजोत, मैं तुम्हें दस दिना कि आम सभा चोणों को लेकर फाजिलका दे विच पुलिस वालों लगातार जिहड़ा हैगा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चैकिंग की जा रही है। जिसे फाजिलका के बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन चैक किया जा रहा, उसी पिंड के सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जिस तरह के डीएसपी फाजिलका ने जानकारी दी, उन्होंने का कहना कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बंब जिहड़ा हैगा वो बरामद होया। फिलहाल उसनों जिहड़ा सुरक्षित थां ते रखा गया और कहा जा रहा है कि डिस्पोज ऑफ टीम जिहड़ा हैगा कुछ किया गया, तेनों डिस्पोज ऑफ किया जाएगा बंब नूं। और यह भी दसा जा रहा है कि काफ़ी पुराना है वो, इहदे जापदा कि जिवें 1971 की जंग के समय का यह बंब है और जिसनों हुण डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जी नवजोत, ठीक है सुनील, शुक्रिया जानकारी सांझ पाउण लई। टिकट वंड दी मुकाबले च पिछड़ी कांग्रेस ने इकोदम 86 उम्मीदवार ऐलाने ते काटो कले शुरू हो गया। सुल्तानपुर लोधी तो नवतेज चीमा नूं टिकट मिलण ते बगावत दा दौर सुल्तानपुर लोधी हल्के च वी वेखण नूं मिल रहा है। उत्थे पंजाब वजारत तों राणा गुरजीत दे पुत्तर दे हक च बयान दिता गया। बयान भी राणा गुरजीत होरां ने दिता है आपदे पुत्तर दे हक च, पक्ष च दिता कि भावें टिकट नहीं मिली तां वी सुल्तानपुर लोधी तो ही चोणां लड़नगे। सुखपाल सिंह खहरा नूं टिकट देण जाण नूं लैके भी उन्हां ने सवाल चुकिया। उत्थे कोई हलडुल नहीं है, डोल अडोल आ जी, जी बिल्कुल अडोल है। राणा इंद्र प्रताप सिंह लगा आ जी और लड़ेगा, मैदान च आउणगे, लड़ेगा यार, मैदान चो भजा ही नहीं। तंदरपाल सिंह है ना, जेल ची दे दो सलाखा पिछों लड़ पाएगा। ते खबर ते जानकारी दी सांझ पाउण लई संदीप ओबराए साडे नाल जुड़े ने। संदीप, हुण तक जिन्ने बगावती देखे जा रहे सी ओ ये देखे जा रहे सी जिन्हां नूं टिकटां नहीं मिलियां, हुण टिकटां हासिल करन वाले भी पुत्तर मोह दे विच बगावत करदे नजर आ रहे आ? जी बिल्कुल, मैं तुहाडी इस गल नूं सहमत हाँ कि कांग्रेस पार्टी च ये अक्सर यही हुंदा सी जदों पहलियां पिछलियां चोणां देखीए जदों उम्मीदवार ऐलान हुंदे सी जिन्हां नूं उम्मीदवारां नूं टिकट नहीं मिलदी सी उह बगावत करदे सी। पर जे गल आपां सुल्तानपुर विधानसभा हलका दी करीए तां इत्थे जिहड़ी सियासी जंग है तकरीबन 2-3 महीने पहलां दी शुरू हो चुकी है जदों कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने सपुत्तर नूं सुल्तानपुर लोधी च भेजिआ ते कहा कि उह कांग्रेस पार्टी तों टिकट दी मंग करनगे। पर अक्सर कई सियासी तीर भी चले आपस में, नवतेज चीमा जो कि इतों के विधायक ने। संदीप, एक गल इस मौके जरूर सवाल उपजदा है कि राणा गुरजीत पार्टी का विधि विधान फॉलो नहीं करते, क्यों पार्टी ने पहलां तो इस गल का जिक्र किया कि एक परिवार चो एक बंदे नूं टिकट दिती जाऊगी। राणा गुरजीत हो रही जदों इस चीज़ के हासिलकर्ता हो जाते हैं तो फिर वह आपके पुत्र प्रति अजिहे बयान दे के कि पार्टी तो किनारा करन दी सोच रहे हैं? जी देख, जे जे आप सियासी समीकरणों की गल करिए कुछ इस तरफ इशारा करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है ना तो उन्होंने कभी एक परिवार दो टिकटा दिखाई तो ना ही कभी यहोजा कोई उन्होंने मौका बनन दिता है कि एक आदमी एक सीट तो कांग्रेस लिए लड़ रहा है एक परिवार का और दूसरे पास कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। तो यह किसी ना किसी लोगों के मन च भी और सियासी समीकरण सियासी इशारे भी इस तरफ आ रहे हैं। मनिया यह जा रहा है कि या तो पिता पुत्र दोनों एक पार्टी तो लड़ते वो हुण कांग्रेस तो संभव नहीं है, पर आने वाले समय च जिस तरह राणा गुरजीत इशारा कर रहे हैं कि वह भी चोण मैदान चो नहीं हटेगा, पार्टी उन्होंने लड़न नहीं देगी, तो यह किथे ना किथे गल घूम के आउंदी है कि आने वाले समय च राणा गुरजीत भी पार्टी बदल लैणगे क्योंकि नवजोत सिद्धू दे नाल उहनां 36 दा आंकड़ा है।
इस मौके के उत्ते अगर यह गल हाईकमांड को जाती है तो उन्होंने को अधिकार है कि उन्होंने शासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। और इसे मैं एक बहुत बड़ी गल कहना चाहूंगा कि पार्टी प्रधान को पार्टी हाईकमांड को यह अख्तियार है कि वह किसी वेले भी किसी भी उम्मीदवार की जी टिकट है वह वापस ले सकते हैं। ये सब गल्ला राणा गुरजीत जानते हैं। तो कितने ना कितने मैं थोड़ी गल फिर आना कि यह आने वाले समय के एक बहुत व्डा पर्दाफाश होने की उम्मीद है कि राणा गुरजीत पार्टी बदल सकते हैं। जी बिल्कुल संदीप, ये प्रधान दे जेरे अख्तियार है, पर यह भी जेरे गौर रहेगा कि इस दे उत्ते हुण कार्रवाई किस पद्धर की होगी, क्योंकि जिस लहजे दे विच दित्ता बयान है वह बगावती सुर श्रेआम नजर आ रहा है। शुक्रिया।